चैनल माय नेम इज हरिक और आप देख रहे हो यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हरिक प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करें तो वहाँ पर जाइए, हरिक प्रोडक्ट इंस्टाग्राम फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहाँ पर ही बहुत सारी अपडेट्स वगैरह मिलती है आपको रहेंगी। तो फाइनली जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने में ब्रह्मास्त्र जो मूवी है उसका टीजर रिलीज हुआ है। आज हम इसी टीजर के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो टीजर में जो VFX करे गए हैं मूवी के अंदर, जो VFX करे गए हैं ये VFX जो है वे किस तरीके से करे गए हैं और कौन से VFX, 5 VFX जो मुझे बहुत पसंद लगे और 5 VFX इसमें से जो मैंने निकाले हैं जो मुझे लगा कि और बेटर हो सकते थे, जिसमें मुझे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लग रहा था कि हो सकती थी। बाकी गाइस हम जो इस वीडियो के थ्रू किसी को जज नहीं कर रहे कि किसी ने क्या VFX करे हैं, किसी ने क्या नहीं करे हैं, एज अ VFX आर्टिस्ट हम सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं कि हमारी जो नॉलेज है वो थोड़ी गेन हो, ताकि आप VFX जो सीखते हो मेरे चैनल पे कलर ग्रेडिंग वगैरह सीखते हो तो वहाँ आपको नॉलेज मिले कि एग्जैक्टली फिल्म में जब काम होता है तो हर चीज़ में देखो प्रॉब्लम रह जाती है, हर चीज़ में कोई ना कोई दिक्कत रह जाती है, क्योंकि एक विजुअलाइजेशन चाहिए होता है इस चीज़ को करने के लिए। आप अगर बात करें, अगर अच्छे और बुरा VFX कुछ नहीं होता, बस खाली ये है कि विजन होता है कि आदमी का विजन क्या है, पर बनाने में तो अच्छा बनाओ या बेकार बनाओ ऑडियंस जो होती है, लोग जो होते हैं वो बस देख के बेकार है अच्छा कह के चले जाते हैं। पर एज अ VFX आर्टिस्ट, एज अ अगर मैं इस लाइन से हूँ, मैं ये काम करता हूँ तो मुझे पता है और आप भी इस लाइन से हो तो आपको पता है कि कलर ग्रेडिंग करने में या VFX करने में कितनी मेहनत लगती है, कितना माइंड लगता है, कितना विजुलाइजेशन लगता है जो बंदा फिल्म बनाता है, जो बंदा ये सारी चीज़ें करता है। तो बस यही है कि सब कुछ बनाने में इसको हार्ड वर्क लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो पर्टिकुलर हम किसी को जज नहीं करेंगे, अपनी नॉलेज के लिए सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा VFX था जो बेटर हो सकता है, कौन सा जो था वो मुझे बहुत पसंद आया, कौन सा बहुत ही बढ़िया लगा। तो ये जो मूवी है ये डायरेक्ट करी है अयान मुखर्जी ने, तो बहुत बढ़िया डायरेक्ट करी है, मुझे इसका टीजर बहुत अच्छा लगा और मैं पिक्चर को भी देखने जाऊंगा जब भी रिलीज होगी। और इस मूवी का जो बजट है वो है 300 करोड़ के आसपास, तो 300 करोड़ के आसपास मुझे लगता है कि इंडिया में पहली ये मूवी है जो बहुत अच्छा VFX करने वाली है। हालांकि बाहुबली ने भी बहुत अच्छे VFX थे, बहुत अच्छे ग्राफिक्स थे, इसमें भी है, इसमें हमको पार्टिकल्स और सिमुलेशन, वाटर सिमुलेशन, फायर सिमुलेशन कुछ ऐसा कुछ मिलने वाला है, तो हम डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो चलो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट शॉट जो मेरे पास है वो ये स्टार्टिंग का शॉट है जो इसमें आता है, मैं बड़ा करता हूँ। आप इस शॉट में देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड है फोरग्राउंड है, यहाँ मुझे थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम लग रहा है कि जो हमारा एक करेक्टर है इस पर थोड़ा लाइटिंग जो है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में थोड़ा मैच नहीं हो रहा। अगर आप VFX आर्टिस्ट को ध्यान से देखोगे तो इस वाले शॉट में नहीं, इस वाले शॉट में मुझे जो लग रहा है ये शॉट, इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा लाइटिंग का थोड़ा इशू है। तो लाइटिंग अगर और अच्छी हो सकती थी, ये शॉट थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था पर्टिकुलर मेरी ओपिनियन के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी शॉट का, दूसरा शॉट है ये वाला, तो इस शॉट में आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो पावर पूरी जनरेट होती है और ये सीधा इससे टकराता है, तो ये शॉट के बारे में डिस्कस करना है कि इस शॉट में बेसिकली क्या था। तो इस शॉट में जो मुझे लगा, देखो गाइस VFX में एक मेन चीज़ और होती है कि अगर आप एक नज़र में सब कुछ देखते हो VFX में तो समझ में नहीं आता, क्योंकि VFX में हम फ्रेम बाय फ्रेम एक एक फ्रेम को कभी रोटो करते हैं या कभी एक एक फ्रेम को फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैक कराते हैं। सो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, जब आप हर एक चीज़ को रोक के पॉज करके फ्रेम बाय फ्रेम चेक करते हो तब आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली गलती है। बाकी एक बार में डायरेक्ट आप देखते हो तो इतना विजन नहीं है, क्योंकि हमारी जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ मूवी देखने में, मूवी के अंदर साउंड वगैरह बहुत सारी चीज़ होती हैं उस चीज़ में हम खो जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ हम देख नहीं पाते। तो हमें जब देखेंगे पॉज करके तो हमें सारी मिस्टेक नज़र में आती है, हर मूवी में कोई ना कोई मिस्टेक होती है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसमें जैसे हम मैं देख पा रहा हूँ, इसमें आप देखोगे यहाँ पर ये करेक्टर भाग के आ रहा है और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक पावर जनरेट हुई है हैंड में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब ये पावर के जब दूसरा शॉट चेंज होता है तो यहाँ पर इसी पावर का ये एक लाइट का लेंस फ्लेयर है, एक फ्लेयर इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस फ्लेयर को ट्रैक करा के इन्होंने लगाया हुआ है, तो इस फ्लेयर के साथ जब हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ फ्रेम आगे जाते हैं, तो ये फ्लेयर चला जाता है। हालांकि जो पावर है वो जिस तरीके से पीछे फ्रेम में जनरेट हुई है, मतलब कि ये जो जनरेट हुई है पावर ये थोड़ा सा जो फ्रेम चेंज हुआ है वहाँ पर भी मुझे लगता है कि होनी चाहिए, एज अ माई विजन की वहाँ पर भी होती तो ज़्यादा बढ़िया लगता। और पर यहाँ पर एक चीज़ और थी इस पावर के, अगर ये नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये होती तो और बढ़िया लगता। बाकी इसमें एक चीज़ और थी जो यहाँ पर हुई है, आप ध्यान से देखोगे ये जो लेंस ग्लेयर्स है यहाँ पर ये देख रहे हो, ये आप कुछ फ्रेम के आगे जाते हो तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर आप देखते हो ये गायब हो जाता है यहाँ पर। हालांकि ये 1 2 3 4 यहाँ पर भी ये साथ में चलना चाहिए था ग्लेयर ऐसा पर्टिकुलर, तो वो क्या है कि जब आप उसको स्पीड में देख रहे हो तो शायद आपको लगेगा कि ऐसी कोई मिस्टेक है ही नहीं। जब आप देखोगे मूवी में या इस चीज़ इस पार्ट को, आप इस सीन को देखोगे तो ये मिस्टेक आपको लगेगा है ही नहीं। मैंने भी जब देखा तो मुझे भी लगा है ही नहीं, बट जब मैंने
पर्टिकुलर ध्यान से मैंने सोचा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना है, तो मैं ध्यान से देखता हूँ क्या चीज़ है। तो मुझे फ्रेम बाय फ्रेम जब मैंने ट्रैक करा तब मुझे समझ में आया, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो गिलियर है यहाँ पर आता है पूरा पावर के साथ और यहाँ आता है, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ फ्रेम पे ये गिलियर नहीं है, तो पर्टिकुलर ये गिलियर होना चाहिए था पूरा एंड तक और पावर के साथ, और फिर इस पर अटैक लगता। तो ये एक मुझे थोड़ा सा इशू लगा, बहुत छोटा माइक्रो इशू है। और नेक्स्ट मुझे इसी सीन का लगा जब ये ट्रक जब टकराता है किस चीज़ से, तो इन्होंने जो ये ट्रक है लाइक दिस, तो ये ट्रक जो है इन्होंने CGI किया हुआ है, पूरा का पूरा ट्रक इन्होंने CGI किया है। पर एक चीज़ है कि जब ये ट्रक इतनी पावर के साथ, इतनी चीज़ के साथ जब ये टकराया है ट्रक, तो बेसिकली जो इस ट्रक पे जो भी ये बोरियां और जो भी रस्सी है पर्टिकुलर, ये भी गिरनी चाहिए और रस्सी जो है वो प्रॉपर टूटनी चाहिए, निकलनी चाहिए। तो ये शॉट और अच्छा लगता अगर विजुलाइजेशन अगर मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप भी करो तो ये और बेटर हो सकता था। ताकि इसमें पता चल रहा है कि साफ साफ कि ये CGI वाला ट्रक है, और CGI ऑफकोर्स CGI करा होगा। पर यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ बोरियां हैं जो ऊपर बाउंस तो हुई हैं, बट पर्टिकुलर हो सकता है ये शॉट इन्होंने आधा लगाया हो, अभी ना दिख रहा हो प्रॉपर, ये गिरी हो बाद में। पर पर्टिकुलर जो रस्सी है वो शायद मुझे अभी खुलती हुई नजर नहीं आ रही, तो शायद रस्सी खुलती तो शायद और बेटर ये शॉट हो सकता था, तो पर्सनली मुझे ये लगा। बाकी आपको क्या लगा आप कमेंट में बताना। और नेक्स्ट शॉट जो मुझे लगा इसके आगे एक शॉट है, आप इस शॉट को प्ले करता हूँ आप देखोगे, तो ये मुझे लगा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है इस शॉट में। कमांड एफ, नेक्स्ट शॉट पे जाता हूँ। इस शॉट में मुझे पर्टिकुलर लगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो पेंटिंग है, मतलब कि ये जो पहाड़ यहाँ पे लगा हुआ है, ये पहाड़ जो लगाया हुआ है, ये पहाड़ इन्होंने जो है एज अ मैट पेंटिंग के थ्रू एक स्टील इमेज लगाई हुई है, ओके। और साफ पता भी चल रहा है कि ये इमेज है, ये तो पता चल रहा है कि ये इमेज है पर्टिकुलर, 100% पता चल रहा है कि ये इमेज है, ठीक है। तो इन्होंने एक एक इमेज लगाई हुई है यहाँ पर, 2D इमेज आप कह सकते हो, कोई इमेज काट के उसको लगाया हुआ है, एज अ मैट पेंटिंग के थ्रू करा हो, एज अ कोई दूसरी टेक्निक के थ्रू करा हो, तो टेक्निक काफ़ी होती है वेपक्स करने की, तो इन्होंने क्या टेक्निक यूज़ करी है, बट ये एक स्टील इमेज है जो इन्होंने मैट पेंटिंग के थ्रू लगाई हुई है। ऑफकोर्स अगर मैं इसको और आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यहाँ पर इसके एजेस वगैरह में भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र में आएगा। VFX आर्टिस्ट है वही समझ पाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर जो है वो इमेज पर्टिकुलर स्टील में लगाई है, बाकी नॉर्मल लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला कि ये क्या चीज़ है। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये एजेस हैं, और जो जो पहाड़ है वो आप मतलब इस पर्टिकुलर ध्यान से देखोगे तो आप VFX लाइन से आप समझ जाओगे कि हाँ ये एक स्टील इमेज है। सो ये मुझे लगा, बाकी ओवरऑल सीन देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। सो बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें इस सीन में, अगर ये सीन मुझे पर्टिकुलर लगा थोड़ा सा कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ये सीन जो है मुझे लग रहा है ये सीन जो है वो ग्रीन स्क्रीन पे प्रॉपर शूट हुआ है, और ग्रीन स्क्रीन पे शूट करने के बाद इसकी जो एजेस हैं उसमें थोड़ा दिक्कत है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो सीन है आप देख रहे हो ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है, इसके पीछे एक फायर इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है, बट आप ध्यान से देखोगे, देखो इस फ्रेम में आप ध्यान से देखो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई भी आप हेयर डिटेल देखोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट हेयर डिटेल है, बहुत अच्छा हेयर डिटेल है, बट अगर हम आगे फ्रेम में जाते हैं अभी भी ठीक है, अगर हम पीछे आगे फ्रेम को थोड़ा करते हैं तो आप यहाँ पे देखते हो ये जो हेयर डिटेल है यहाँ पर थोड़ा हेयर डिटेल लॉस हो रही है, तो ये शायद ना होती तो मुझे लग रहा है ज़्यादा बेटर होती। हालांकि ये इतना स्पीड में ये शॉट है इसके अंदर, और इतनी जल्दी ये शॉट स्विच होता है कि पता ही नहीं चलेगा आपको कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम भी है। हाँ, हो सकता है कि ये लाइटिंग को रिफ्लेक्ट करने के लिए इन्होंने किया हो, पीछे की जो लाइट है उसको रिफ्लेक्शन देने के लिए ये चीज़ करी हो, बट ये एज अ हेयर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिटेल में नहीं है, थोड़ा अगर ये डिटेल में होती तो ज़्यादा बढ़िया लगता। अगर लाइटिंग के लिए करना था तो फेस वगैरह पे भी आई थिंक लाइटिंग वगैरह कुछ हो सकती थी, बट खाली हेयर पे ये चीज़ मेरे को पर्टिकुलर थोड़ी अच्छी नहीं लगी। इसके बाद एक आलिया का भी शॉट इन्होंने लिया हुआ है, इस टीजर में लगा हुआ है, उस शॉट में ये प्रॉब्लम नहीं है हेयर वाली, इस शॉट में ये हेयर वाली प्रॉब्लम है, अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मुझे लगा कि सो शायद ग्रीन स्क्रीन पे जो चॉपिंग इन्होंने करी है, इस चॉपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको फ्रेम को प्ले भी कर रहा हूँ आगे पीछे, आप देखिए, ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, आप देख पा रहे होगे कि ये चॉपिंग में क्या प्रॉब्लम, यहाँ पर नहीं है, इस फ्रेम पर नहीं है, इस फ्रेम में सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है। अगर है कोई लाइटिंग क्रिएट या कोई रिफ्लेक्शन क्रिएट किया है तो पूरे फ्रेम में रहे, और अगर नहीं है तो एजेस वगैरह में जो आ रहा है वो थोड़ा और लग रहा है, बाकी ठीक है जो भी है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि आपने अगर VFX लाइन से हो तो आप ये चीज़ समझ पा रहे हो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये थोड़ा और सा लग रहा है मुझे, तो ये मुझे मिस्टेक लगी इसमें छोटी सी, ज़्यादा कुछ ना। और गाइज ये एक मिस्टेक है, ये तो मेरे को मेजर मिस्टेक लगी, ये वाली और चॉपिंग वाली मिस्टेक दो थी। आप ध्यान से देख रहे हो कि ये जो चीज़ है जो इनके यहाँ पर है, इस चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने जो है वो पर्टिकुलर इस एरिया को मास्क करके इसको सब्ट्रैक्ट करके या और इस पे ना की लगाई हुई है, वो पता चल रहा है कि इस एरिया पे की लगाई हुई है पर्टिकुलर, वो इसकी एक डायमेंशन भी ठीक से नहीं आई है और एक
टेक्निक भी, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इसकी डायमेंशन भी ठीक नहीं आई है, थोड़ा सा आप देख पा रहे हो। और जब ये मूव करता है तो देख रहे हो थोड़ा इसमें अजीब सा एक ऐसा लग रहा है की वाला इफेक्ट है, एक पता चल रहा है कि हाँ ये एक रियल नहीं है। हालांकि रियल तो कोई भी चीज़ नहीं है, हर चीज़ VFX है, बट एक इसमें पता चल रहा है कि ये जो पार्ट है यहाँ पर, जो की मैनिपुलेट होती है ना, ये जो की आप देख पा रहे हो, ये जो की है यहाँ से यहाँ जाती है, ये की थोड़ा सा फेदर वगैरह थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को इशू लग रहा है। बहुत डिटेल माइनर चेंज है, तो ये थोड़ा सा और इसकी शेप और अच्छी हो सकती थी और बेटर करके इसको लगाया जा सकता था अकॉर्डिंग टू माई विजन। सो ये मुझे इसमें थे जो 5 VFX जो मुझे लगा कि ये और बेटर हो सकते थे, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम थी। आई होप आपको थोड़ा सा इससे नॉलेज मिला हो कि हाँ कितना डिटेल में ध्यान देना पड़ता है इस चीज़ को करने के लिए, और हालांकि ये चीज़ भी करने में बहुत मेहनत और बहुत दिमाग लगा होगा। और नेक्स्ट बताता हूँ इसमें 5 VFX जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा औसम लगे, जिसमें मतलब ज़बरदस्त लगे। अगर बात करते हैं ये, सबसे पहले बात करते हैं वाटर सिमुलेशन, जो ये वाटर इफेक्ट इन्होंने किया है, जो ये वाटर का जो इफेक्ट पीछे से आया, मतलब ये बहुत ही बढ़िया किया है। मतलब लग रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया विजुअलाइजेशन करी गई है इस सीन की पहले ही, और इस सीन को पहले ही प्लैंड करके किया गया है कि हाँ ये सीन को हम इस तरीके से करने वाले हैं। देखो गाइस, सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें विजुअलाइजेशन, अगर आपकी वो बढ़िया है तो मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपको पहले पता होना चाहिए आप क्या करने वाले हो। सो बहुत मेहनत लगती है इन काम को करने के लिए। सो आई होप मेरे को ये बहुत पसंद आया। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ये वाला इफेक्ट, ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें आप देख पा रहे हो कि स्काई में कुछ बिजली वगैरह, क्लाउड वगैरह, और थोड़े से आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो चीज़ है, पार्टिकल्स वगैरह का, फायर का, पार्टिकल्स का बहुत अच्छा यूज़ इन्होंने किया है। पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स पे मैंने अभी कोई वीडियो नहीं बनाई है कि पार्टिकल्स पे कैसे काम करते हैं, बहुत जल्द मैं लेके आऊंगा अपने ट्यूटोरियल पर कि पार्टिकल्स कैसे काम करते हैं। पार्टिकल्स से आप गाइस फायर, वाटर और क्लोज सिमुलेशन और हेयर सिमुलेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आप जो पार्टिकल्स के थ्रू हम लोग करते हैं। तो जब हम पार्टिकल्स का ट्यूटोरियल करेंगे तब उसमें समझेंगे थोड़ा सा बेसिक कि पार्टिकल्स किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इन्होंने इस मूवी में जो है पार्टिकल्स का ज़्यादा यूज़ किया है लोगों ने, जो दिख भी रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट ये तो बहुत ही औसम किया है, मतलब जबरदस्त क्या विजुअलाइजेशन करी है, जो मतलब ये जो शॉट है और जो इस तरीके से इसको करा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ये विजुअलाइजेशन बहुत जबरदस्त करती है। ये कुछ हनुमान जी का आई थिंक कुछ इन्होंने अस्त्र वस्त्र जो भी मूवी का जो एक विजन है इसमें कुछ ब्रह्मास्त्र वगैरह जो भी इनमें 5-6 चीज़ों के ऊपर ये मूवी है, ठीक है। जो भी चीज़ों के ऊपर मूवी होगी जब देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा पता चलेगा, टीजर में इतना नहीं पता चलता पर इतना थोड़ा सा आइडिया लगता है। तो ये जो VFX था ये मुझे बहुत औसम VFX लगा। इसकी जो विजुअलाइजेशन करी गई है बहुत ज़बरदस्त करी गई है, और आप देख पा रहे हो कि फायर को जिस तरीके से यूज़ किया गया है, और वायु वगैरह जो भी चीज़ है, ये जो भी मतलब इन्होंने जो भी ये चीज़ बनाई है, जो भी विजन है, वो बहुत बढ़िया यूज़ किया है कि एक एक चीज़ का आप अगर यहाँ ध्यान भी देखो तो यहाँ पर देखो पार्टिकल्स भी हैं छोटे छोटे, आप ये छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है गाइस, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारा ये, तो यहाँ पर भी इन्होंने स्काई में पार्टिकल्स का बहुत अच्छा यूज़ किया है, आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर पार्टिकल्स का बहुत अच्छा यूज़ किया है, और इनके हैंड्स में भी स्टिक है और यहाँ पर पावर आ रही है, मतलब हैंड्स में से भी जो पावर जनरेट हो रही है। तो ये जो शॉट था पूरा ओवरऑल अगर मैं इसको देखूँ रोक के, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया जो शॉट है वो विजुलाइज किया हुआ है, पीछे यहाँ पे पहाड़ वगैरह को, और ये प्लेसिंग भी बहुत बढ़िया करी है हर चीज़ की। तो ये जो सीन है और कलर करेक्शन वगैरह टोटल ओवरऑल बहुत औसम किया हुआ है इस शॉट में, तो बिल्कुल। और ये स्काई में पार्टिकल्स यूज़ करें, सेम ज़्यादा पार्टिकल्स यूज़ इसमें, तो बहुत अच्छा शॉट था ये, मुझे जो पसंद आया। और नेक्स्ट जो शॉट था एक ये कुछ ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है, मतलब कि ज़्यादा कुछ वाव वाला नहीं है, बट ये है कि ये छोटा इफेक्ट है पार्टिकल्स से, पर बहुत बढ़िया इफेक्ट क्रिएट किया है, जो ये साइड में आप देख पा रहे हो सारा, ये बहुत प्यारा है, छोटा है, लिटिल इफेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया इफेक्ट है। बाकी मुझे ये भी जो 5 इफेक्ट थे बहुत पसंद आए इस मूवी में। आई होप आपको क्या पसंद आया, आपको क्या नहीं, आप कमेंट करके मुझे बताना। बाकी इसमें 2 शॉट्स और थे जो मुझे बेसिकली, ये VFX भी नहीं है और ये कुछ वो भी नहीं है, ये एक छोटी सी मिस्टेक कह सकते हो या थोड़ा सा ध्यान नहीं गया वो कह सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखते हो रणबीर कपूर, यहाँ पर रणबीर है जो, मतलब आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर रणबीर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मंदिर में सूज के साथ यहाँ पर बैल बजा रहे हैं, यहाँ पे सूज पहन रखा, तो ये शायद नहीं होना चाहिए कि मंदिर में कोई सूज पहन के जाता नहीं है, हमारे इंडिया कल्चर के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में कोई मंदिर में वैसे जाता नहीं है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू भी वैसे कह सकते हो, जिसके लिए होगा होगा और नहीं है तो नहीं है, पर इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि ये भी चीज़ है जो है, मतलब पर्टिकुलर मैं किसी को जज नहीं कर रहा, बस ये है कि ये एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे लगी जो मैंने आपको बता दी। सो
ये जो चीज है ये तो गाइस वांडा की प्रॉपर एक विजुलाइजेशन लिया गया है। जिसने वांडा को नहीं जानता, मूवी अगर हॉलीवुड मूवी देखी है एवेंजर वगैरह, उसमें वांडा का जो रोल है वो प्रॉपर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। तो ये बिल्कुल वांडा वाली ही एक तरीके से कॉपी कहोगे या नहीं कहोगे वो आपके ऊपर है, पर यह है कि वांडा को जब आप जाकर देखोगे तो सेम वही विजुअलाइजेशन, सेम वही टेक्निक, एक उससे एक आइडिया लेके, विजुअलाइजेशन लेके, आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो मोनी रॉय का करेक्टर है ये एक बनाया गया है, क्योंकि सेम ऐसा करेक्टर वहीं देखने को मिलता है। डिट्टो अगर आप मैच कराओगे तो आपको वहीं मिलेगा। अगर मेरे से हो पाया तो स्क्रीन पे मैं डाल भी दूंगा फोटो, आप देख लेना दोनों को मैच कराए। पर आप जाके देखोगे वांडा और इसको तो आपको दोनों सेम सेम नजर आएगा। सो ये भी बहुत अच्छा किया हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल शैतान को बिल्कुल रेड तरीके से दिखाया हुआ है। तो ये भी बहुत बढ़िया जो है, जो इफेक्ट के साथ खेला हुआ है, बहुत अच्छा खेला हुआ है। बाकी सेम वांडा जैसे ही है, मुझे लग रहा है वहीं से रिलेशन करेगी। तो गाइज ये थे पांच इफेक्ट बढ़िया, और पांच इफेक्ट जो मुझे लगा थोड़े और बढ़िया हो सकते थे। तो बस इतना ही इस वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि VFX को जो करते हैं, मतलब आपको थोड़ा नॉलेज मिला हो कि इसमें क्या डिटेलिंग में जो काम होता है किस तरीके से होता है, जो डिटेलिंग में काम नहीं होता वो किस तरीके से होता है। हालांकि ओवरऑल अगर मैं इसका टीजर देखूं, ओवरऑल देखूं तो मुझे तो बहुत बढ़िया ये लगा। मैं तो इस मूवी को देखने ही वाला हूँ, कोई प्रमोशन वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ, पर मैं पर्टिकुलर इसको देखने वाला हूँ। मैं बेसिकली VFX के थ्रू देखने वाला हूँ कि इसमें VFX में क्या क्या माइंड यूज किया है, क्या विजुअलाइजेशन करी गई है, क्या दिमाग से इन्होंने जो चीज़ों को खेला है वो मेरे को देखने में ज़्यादा मजा आता है। मूवीज़ वगैरह में ज़्यादातर वही चीज़ देखता हूँ मैं इस लाइन से हूँ। तो बाकी स्टोरी लाइन, एक्टिंग वगैरह तो होती ही बेटर। तो बाकी आई होप आपको भी कुछ हेल्प मिली हो इस चीज़ से, आपको समझ में आया हो कि हाँ हमें किस किस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है VFX करते टाइम, किन किन डिटेल पे भी VFX में जो है वो काम होता है। बाकी काफ़ी सारी डिटेल पे काम होता है, ये एक छोटी छोटी मेजर जो डिटेल थी मैंने आपको बता दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियो अगर और चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं और टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा ऐसे, ताकि आपको क्या है ना कि VFX जब आप सीखते हो उसके बाद आपको जानना भी जरूरी है कि एग्जैक्टली मूवी में कहाँ गलती होती है। हर मूवी में कोई ना कोई गलती रहती ही रहती है, ये बात कंफर्म है कि रहती ही रहती है, बट वो ऑडियंस तक नहीं पहुँचती, समझ में नहीं आता। VFX अच्छा हो या बुरा वो हम जज करने वाले कोई भी नहीं होते, क्योंकि अच्छा VFX पे भी मेहनत लगती है और ख़राब VFX में मेहनत लगती है। मेहनत उतनी ही लगती है जितनी आप अच्छा और बुरा, वो सबका डिपेंड करता है टेस्ट के ऊपर कि किसको क्या टेस्ट पसंद आ रहा है। तो गाइज थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।